तो मैं बता दूं, यहाँ पे सैलरी कम से कम आपकी 150 से नीचे नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। पासपोर्ट से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड इन सभी चीज़ की जानकारियाँ हमारे इस चैनल पर दी जाती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों, मैं आज कुछ बहरीन के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी बहरीन में हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी बहरीन के रोड पे चल रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे कुछ भाई हैं और जो हमको अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि सैलरी के बारे में बताने के लिए कि यहाँ की जो सैलरी है वो कितने पे आदमी आ सकता है और कितने पे नहीं आ सकता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे सैलरी कम से कम आपकी 150 से नीचे नहीं होना चाहिए और 130 भी चलेगा, 140 भी चलेगा, 150 भी चल सकता है। तो यहाँ पे कम से कम 150 के नीचे और 140, 130 के नीचे मत आइए, क्योंकि यहाँ पे जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है हर चीज़। और यहाँ पे सैलरी जो है, यहाँ पे ज़्यादातर कंपनियाँ सैलरी 120, 130 ऐसे, 140 ऐसे ही लगाती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कितना आदमी होता है कि वो 100 पे भी आ जाएगा, 100 में भी आ जाएगा और 90 में भी आ जाएगा, 110 में भी आ जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए, आपकी सैलरी कम से कम 130 के ऊपर ही हो, 130 के नीचे ना हो, तो ऐसा कीजिए। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से और मैं सजेस्ट भी करूंगा कि आप लोग कभी भी आए बहरीन तो बहरीन में आए तो 130 के नीचे ना आए, क्योंकि यहाँ पे महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हर चीज़ का रेट जो है वो बढ़ चुका है। आज के जो वीडियो में मैं आपको सैलरी के बारे में बताया हूँ कि आप बहरीन में कभी भी आए तो आप इतने सैलरी के नीचे नहीं आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। जय हिंद, जय भारत।